जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। शुभ सायणं भन्ते जीवे किम जनये, भन्ते जो व्यक्ति सुख की आकांक्षा को त्याग देता है, सुख की स्पृहा नहीं, सुख आ जाए तो आ जाए, यानी सुविधा मिले तो मिल जाए, किंतु मन में कोई आकांक्षा नहीं रहती, स्पृहा नहीं रहती और हमेशा सुखैषी नहीं होता, सुख की खोज करने वाला नहीं होता, हर समय का मुझे सुख मिले सुख मिले इस खोज में नहीं रहता, सुख की स्पृहा को त्याग देता है, उसका लाभ क्या? अनेक लाभ बतलाई पर दो प्रमुख लाभ बतलाई। अनुकंपाए बिगए सोगे, अनुकंपा उस व्यक्ति में अनुकंपा पैदा होती है, क्रूरता समाप्त हो जाती है। क्रूर कौन बनता है? जो सुख की खोज में रहता है, चाहे कह दो पदार्थ की खोज में रहता है, चाहे कह दो धन की खोज में रहता है, उस व्यक्ति में क्रूरता पैदा होती है। और जिनमें धन की पदार्थ की प्रबल लालसा होती है, वहाँ क्रूरता का नियम मान लो, वहाँ क्रूरता होना जरूरी है, बिना क्रूरता के ऐसा हो नहीं सकता। जब क्रूर बन जाता है और केवल स्वयं अपना सुख चाहता है तो दूसरे के साथ वह अन्याय करता है। एक कोई दुकानदार था तो क्रूरता पैदा हो गई धन की लिप्सा के कारण, तो हमेशा वह गलत काम करता, नकली माल बेचता। एक ग्राहक आया और हाथी के दांत की चीजों की जरूरत थी, ले गया और कुछ ही दिनों में पता लगा कि यह तो हाथी के दांत की नहीं है, नकली है सारी। तो वापस आया, आखिर बोला, भैया तुम्हारी दुकान से मैं ले गया, तुमने कहा यह हाथी दांत की चीजें है, ये तो सारी नकली है, नकली दांत है। तब बोला, भाई मुझे पता नहीं, तुम ठहरो कुछ दिन, मैं खोज कर बताऊंगा, हाथी के मालिक से पूछूंगा कि उसने कब डॉक्टर के पास नकली दांत लगा लिए थे, खोज करूंगा फिर बताऊंगा। अब खोज कभी नहीं होगी। तो हाथी ने नकली दांत, आदमी तो लगाते हैं नकली दांत, और हाथी ने भी नकली दांत किस विशेषज्ञ के पास लगवाई? कौन विशेषज्ञ था जिसने ये नकली दांत लगा दिए? अब कितना तोड़ मरोड़ कर सच्चाई को पेश करना होता है, कारण क्या? अनुकंपा नहीं है, क्रूरता है, बस केवल अपना सुख चाहता है, दूसरे को धोखा देता है, ठगाई करता है, यह नहीं सोचता कि मैं अपने सुख के लिए करता हूं पर सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा, यह बात समाप्त हो जाती है। अच्छा, क्रूरता होती है वहां सामने वाले का प्रश्न ही नहीं होता, बस केवल मुझे कुछ मिलना चाहिए, इसके सिवाय कुछ नहीं होता। तो इतना सुंदर एक कारण बतलाया कि व्यक्ति क्रूर कौन होता है, संवेदनशीलता किस में नहीं होती, अनुकंपा किस में नहीं होती, कि जो सुख सुख साए केवल सुख की ऐषणा करता है, सुख की इच्छा करता है, बस उस व्यक्ति में ऐसा होता है। यद्यपि सुख की इच्छा मनुष्य की प्रकृति है, प्राणी मात्र की प्रकृति है, कि वह सुख चाहता है दुख नहीं चाहता।
धूप में बैठा है और छाह दिखे तो वह धूप में नहीं बैठेगा, छाह में जाकर बैठेगा, क्योंकि वह कष्ट सहना नहीं चाहता, वह सुख पाना चाहता है, वहाँ चला जाता है। प्यास है तो जहाँ कुआ नहीं है, पानी का साधन है वहाँ नहीं, वहाँ कुएं के पास या पानी के प्याऊ के पास वहाँ चला जाएगा। तो यह सुख की खोज तो मनुष्य की नहीं, प्राणी मात्र की मनोवृत्ति है, छोटी छोटी जीव जंतुओं की भी मनोवृत्ति है कि धूप में वे भी रहना पसंद नहीं करते। छा है, बहुत चींटियां हैं, जैसी धूप आई और सब पता नहीं गायब हो जाती है, का चली जाती है, वे भी नहीं रहते। मच्छर है, बहुत सताते हैं, किंतु जब अति लू चलती है सारे मच्छर भी गायब हो जाते हैं, सारे के सारे, वे भी सहन नहीं कर पाते उसको। तो सुखैषी हो ना, सुख की ईर्ष्णा करता करना एक मनुष्य की मौलिक मनोवृत्ति है, किंतु एक सीमा रहे तब तक तो कोई आपत्ति भी नहीं कह सकते हम, एक सीमा तक, किंतु जब वह अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए दूसरों के प्रति क्रूर आचार और व्यवहार करता है तब वह समस्या बन जाती है, वह क्रूरता घातक होती है, और उस समय ऐसी निर्दयता की बात आती है कि वह किसी दूसरे की चिंता नहीं करता कि दूसरे का क्या होगा। अगर एक क्रूरता न हो तो बाजार की 50% शुद्धि हो जाए, बाजार में सारी गड़बड़ है इसी कारण होती है। और अनुकंपा जिस व्यक्ति में यह सुख की स्पृहा समाप्त हो जाए, सकता है धर्म रुचि मुनि धर्म रुचि, जिसका आगम साहित्य में बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है, तो भिक्षा में उनको कड़वा तुम्बा मिल गया, ऐसा जहरीला कि खाए तो आदमी मर जाए। तो गुरु ने कहा कि तुम जाओ एकांत स्थान देखकर उसको परिस्थापित कर दो। गए और वहाँ उन्होंने उसे परिस्थापन करने की योजना बनाई, थोड़ा सा रखा तो चींटियाँ इतनी आने लग गई सुगंध के कारण, सुवास के कारण। उन्होंने देखा कि यहाँ रखने से कितने जीव मरेंगे, हो सकता है हजारों हजारों जीव मर जाए, मैं अकेला खाऊंगा तो अकेला ही मरूंगा, मेरे कारण इतने जीव मर जाएंगे। तत्काल उसे वहां तो नहीं रखा और अपने पेट में रख लिया, मरना तो था ही। जिसमें अनुकंपा होती है वह दूसरे को कष्ट देना कभी नहीं चाहता और अपनी ओर से कभी कष्ट नहीं देता, पर यह वृत्ति कब जागती है कि सुख की स्पृहा का त्याग हो जाए। जब तक सुख की स्पृहा प्रबल है कि मुझे सुख मिलता रहे, सुविधा मिलती रहे, या सुख का अर्थ ही सुविधा ही है कि सुविधावादी दृष्टिकोण बन जाए और चारों ओर से सुविधा मिले, तो फिर वह आदमी कुछ भी कर सकता है, क्रूर व्यवहार करने में संकोच नहीं होता, दूसरे का अनिष्ट हो उसमें भी संकोच नहीं होता, दूसरे का कितना ही नुकसान हो उसमें संकोच नहीं होता। अनुकंपा जब आती है तब ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। बिदासर के एक श्रावक, जैन श्रावक, तेरापंथ के पक्के श्रावक, पुत्र का वियोग हो गया, पुत्र छोटी अवस्था में युवक था चला गया। अब खोज की कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ। खोज करते करते एक व्यक्ति आया और उसने कहा, शेठ साहब आपके हाथ में जो अंगूठी है हीरे की, यह हीरा अशुभ है और यह जहां रहेगा वहां पुत्र वियोग कराएगा। यह घोड़ा हीरा यानी जवाहरात के कुछ ऐसे होते हैं कि अच्छे लक्षण वाले आए तो निहाल कर देते हैं
और खराब लक्षण वाले आए तो घर को समाप्त भी कर देते। अंगूठी अच्छी नहीं है और इसी कारण आपको यह पुत्र का वियोग झेलना पड़ रहा। अब क्या करें कि आप इस अंगूठी को बेच दें। सुन लिया, नहीं बेचा। दूसरे लोगों ने कहा, जो उनके परिवार के या साथी मित्र लोग थे, कि सेठ साहब इस अंगूठी को बेच दो। अब उन्होंने काफी सोचा और सोचकर एक अपने आदमी से कहा, जाओ इस अंगूठी को कुएं में डाल दो। तब उन्होंने कहा कि आप क्या मूर्खता कर रही हैं, इतनी कीमती अंगूठी और उसको कुएं में डलवा रही हैं, ये क्यों? तो बोला कि मैं किसी दूसरे पिता को पुत्र का वियोग देखना नहीं चाहता। कितना बढ़िया उत्तर था, करुणा का, अनुकंपा का। कई अंगूठी के कारण यदि मुझे पुत्र का वियोग सहना पड़ा तो मैं नहीं चाहता कि किसी पिता को भी फिर यह वियोग सहना पड़े, इसलिए जाओ अंगूठी को कुएं में डाल दो और कुएं में डलवा दी। उस समय बहुत कीमती अंगूठी थी, हीरे की, डलवा दी। ऐसा क्यों? अब आचरण की मीमांसा करें, ऐसा आचरण उनका क्यों हुआ कि अंगूठी को बेचा नहीं, कुएं में डलवा दी? इसीलिए कि धन का मोह कम हुआ और अनुकंपा पैदा हो गई, अनुकंपा का भाव आ गया कि मैं किसी दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहता। मेरे पास पैसा आए या न आए, मैं नहीं करना चाहता। अगर पैसे की लालसा होती तो वह यह नहीं सोचता कि दूसरे पिता को दुख देखना पड़े तो मैं क्या करूं, अगले का भाग जाने, बस सीधा चिंतन होता, इसका मैं क्या करूं, अंगूठी क्यों मोल लेता है। किंतु जिसमें करुणा है, अनुकंपा है, वह ऐसा चिंतन कभी नहीं कर सकता। उसका चिंतन कभी नकारात्मक नहीं, वह हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है। किंतु यह कब संभव है? जब सुख की स्पृहा का त्याग हो जाए, यानी धन के प्रति लालसा कम हो जाए और पदार्थ के प्रति भी आसक्ति कम हो जाए, तब व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो यह बात हमारी समझ में आ सकती है और इस सच्चाई को समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं कि आदमी सुखाकांक्षा के कारण क्रूर बनता है। सुखाकांक्षा का मतलब मुझे सुख मिले, सुविधा मिले, और वह पदार्थ से मिलती है, धन से मिलती है। तो जिसमें धन की, पदार्थ की प्रबल आकांक्षा है, वह सब कुछ कर सकता है। उसके लिए वर्जना जैसी कोई बात नहीं होती, कोई निषेध नहीं होता, सब कुछ कर सकता है। लोग करते भी हैं, कितने अनर्थ करते हैं। यात्रा के दौरान एक मुस्लिम भाई मेरे पास आया, आकर बोला कि आचार्य जी, मेरी एक समस्या है। क्या? कि मैंने एक भाई को अपना सहभागी बनाया, वह साधारण स्थिति में था पर मेरा दोस्त जैसा था, मैंने सहभागी बनाया कि उसका भी कुछ कल्याण हो जाए और स्थिति सुधर जाए। काम करता रहा और मैं भी इतना भरोसा करता रहा कि उसके भरोसे काम को छोड़ दिया, मैं कम देखता। अब स्थिति यह है, उसने मेरी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया और मेरे सारे धन पर अधिकार कर लिया। अब मुझे कहता, तुम अलग हो जाओ, तुम्हारा कोई हिस्सा इसमें नहीं। एक नहीं, शायद ऐसी हजारों घटनाएं देश में मिल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? कि जिसने उपकार किया, सहभागी बनाया और धन दिया, और वही व्यक्ति उस पर कब्जा करके कहता है, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। ऐसा क्यों करता है? कि जिसमें सुख की आकांक्षा प्रबल है, यानी पदार्थ के प्रति गहरी आसक्ति है और धन पाने की प्रबल लालसा है, वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है। वह यह नहीं सोचता कि इसने मेरा उपकार किया, सोचता ही नहीं है। उपकार किया तो किया होगा, मेरा क्या लिया,
अभी वर्तमान में मैं जो कर सकता हूँ कर लूँ। एक बहुत बड़ा कारण, एक बड़ी सच्चाई आगमकार ने हमारे सामने रखी कि तुम क्रूरता को मिटाना चाहते हो, अनुकंपा का भाव जागृत हो, क्रूरता न रहे, कोई आदमी किसी के साथ क्रूरता के कारण अन्याय न करे, किसी का शोषण न करे, किसी को हानि न पहुंचाए। तुम्हारी आकांक्षा तो बहुत अच्छी है, पर पहले यह देखो कि सामने वाले व्यक्ति में सुख की आकांक्षा कम हुई या नहीं हुई। अगर वह कम है तो तुम्हारा काम सफल होगा, और धनाकांक्षा धन पाने की इच्छा प्रबल है तो तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनेगा, सुनी अनसुनी कर देगा। तो हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति में सुख की आसक्ति न बढ़े, पदार्थ की आसक्ति और मोह न बढ़े। इस पर उसका प्रशिक्षण होना चाहिए कि वह कैसे कम हो। दसवीं कालिक सूत्र में एक बहुत गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया साधु के लिए कि वैसे श्रमण की सदगति नहीं होती, वैसे साधु की सदगति नहीं होती। लोग तो सोचते हैं साधु बन गया और सदगति हो जाएगी, वह स्वयं भी सोचता है कि मैं साधु बन गया और सदगति तो होगी, पर ऐसा झूठा मत नहीं बनाना चाहिए। सुवसायगस्य समणस्य साया उलगस्य निगामसायस्य उच्छोलना पहो इस्य दुल्हा सुगई तारिसगस्य। ऐसा साधु है हमेशा सुख की आकांक्षा करता है, सुख की आकांक्षा, कबस सुविधा कहाँ मिले, आराम मिलता रहे, शरीर को जरा भी कष्ट न हो। आगम का वाक्य है कि उसकी सदगति नहीं हो सकती, वह तो आचार का भ्रष्ट करेगा, आचार के विपरीत आचरण करेगा, क्योंकि जहाँ सुख मिले वह काम करेगा, कष्ट सहना बिल्कुल नहीं चाहता है। जिस व्यक्ति में कष्ट झेलने की क्षमता नहीं होती वह कभी भिक्षु नहीं बन सकता। भिक्षु भिक्षु बने कैसे बने, कि इतना कष्ट झेलने की क्षमता थी कि न सर्दी की परवाह, न गर्मी की परवाह, न और किसी बात की परवाह, निरंतर कष्टों का सामना किया तो भिक्षु सचमुच भिक्षु बन गए, नहीं तो नहीं बन सकते। जिनके मन में एकमात्र अध्यात्म था, कोई सुख दुख की बात बिल्कुल उनको नहीं छूती थी। पाली का प्रसंग है, चौमासा करना, एक दुकान में रहना, मुश्किल से स्थान मिला, स्थान भी नहीं मिलता, स्थान भी ऐसा मिलता कि विचित्र बात है कि दुकान चलती, आधे में दुकान चलती, आधे में उनका प्रवास होता। आज तो हमारे मुनि जी ऐसे हैं कि थोड़ा भी हल्ला हो कि हल्ला हो रहा है या काम नहीं होगा, उन्होंने तो सारा जीवन जिया इस प्रकार, आधे में वर आधे में वे। तो एक दुकान मिली, दुकान मुश्किल से तो मिली, और किसी ने बहन को भरमा दिया, वह भ्रम में आ गई और आकर बोली कि मेरी दुकान खाली करो। उन्होंने कहा कि तुमने कहा चौमासे तक रह सकते हो, हमने चतुर्मास का कर दिया, तुम खाली करा रही हो, क्या कुछ भी हो खाली करना है, ठीक है, अगर तुम्हारी आज्ञा नहीं है तो हम रह नहीं सकते, बिना आज्ञा रहे तो वह चोरी हो जाती है साधु के लिए, हम रह नहीं सकते, दुकान को खाली कर दिया और कोई स्थान खोजा, कुछ मिल गया रह गया। वर्षा हुई और दुकान गिर गई। आचार्य भिक्षु ने कहा देखो बहन कितनी समझदार थी, अगर हम वहाँ होते दुकान गिरती तो संभव है कुछ न कुछ कहीं किसी के चोट तो लगती, कुछ होता, पर पहले से ही उसने कितना अच्छा काम कर दिया कि दुकान खाली करा ली और हम सुरक्षित रह गए। कष्टों को झेलते गए, सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहा, हर बात में सकारात्मक दृष्टिकोण, ये खोजना है कि कभी उनमें नकारात्मक दृष्टिकोण आया या नहीं आया,
ये खोज का विषय है। ये नहीं है कि सकारात्मक दृष्टिकोण आया, ये नहीं, वह तो शाश्वत जैसा बन गया था। नकारात्मक की बात कोई खोजे कि अमुक समय में उनमें नकारात्मक बात भी आई थी, तो साधुवाद देना चाहिए कि अच्छी खोज की है तुम। तो कष्ट सहिष्णुता थी, जिसमें कष्ट सहिष्णुता है उस श्रमण की सदगति होती है। साधुपन लेकर कोई ये न मान ले कि बस साधु बन गया, पट्टा लिखा लिया, या पट्टा होता ही नहीं है, अब तो जागीरदारी समाप्त है, पट्टे की बात ही नहीं है, ये कोई माने नहीं। जो सुख की आकांक्षा को छोड़ता है, सुविधावाद को छोड़ता है, तभी होता है। आचार्य तुलसी भी इसके प्रति बड़े चिंतित रहते थे कि साधु संस्था में सुविधावाद न पनपे। उन्होंने लिखा भी, सावधान बार बार करते रहे कि खबरदार सुविधावाद पनप न पाए। खबरदार, सावधान रहना कि कहीं भी सुविधावाद न आ जाए। बड़ा कठिन तो है, तो आज के समाज में जहाँ सुविधावाद है, उस समाज में से ही साधु बनते हैं, साधियाँ बनती है, वही घर की बात लेकर आते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। पुराने ज़माने में शायद इतनी कठिनाई नहीं थी, क्योंकि पुराने लोग भी बहुत सुविधावादी नहीं थे। एक साधु ने अभी पूछा कुछ दिन पहले कि क्या बात है कि यहाँ घर है उनमें कोई खिड़की बारियाँ नहीं है। पुराने लोग तो सुरक्षा की बात सोचते, कहीं चोरी न हो जाए, तो ऐसा मकान बनाते कि दरवाजा भी छोटा और खिड़की बारी के लिए तो सर्वथा वर्जना, कोई काम ही नहीं, काम नहीं। कालूगनी यात्रा कर रहे थे, मेवाड़ की यात्रा, और एक रात्रि को हम लोग जब छोटे ही साधु थे हम, तो सोने को एक स्थान पर गए, भीतर गए, रात का समय, इतना अंधेरा था, कहीं भी खिड़की का बारी का थोड़ा बाहर से प्रकाश आए अवकाश नहीं, और इतने अंधेरे में रहे, जिसको तर्कशास्त्र में कहते हैं मुट्ठी ग्राह्यं तमय, वहाँ वर्णन कहते हैं अंधेरा कितना सघन, कह मुट्ठी ग्राह्य, मुट्ठी से पकड़ लो बोले, ऐसा सघन अंधकार, उसमें भी रहे हम सब। तो सुविधावाद न आए, साया उलगस से, जो निरंतर साथ की गवेषणा, प्रियता की गवेषणा करता रहता है कि प्रिय भोजन, प्रिय स्थान, प्रिय सब कुछ उपकरण मिले, ये रहे, तो साताकुल रहता है। और निकाम साइस से, दिन भर बस सोता रहता है और कोई काम नहीं, स्वाध्याय ध्यान नहीं, निकाम बहुत ज़्यादा नींद लेता है, बहुत ज़्यादा सोता है। उच्छोलना पहो इससे, और ध्यान यही रहता है कि वस्त्र साफ रहे, दिन भर प्रक्षालन का काम चले, ये सारी वृत्ति। तो आगमकार कहते हैं दुल्लहा सुगई तारी से गस्से, सदगति दुर्लभ है, साधु बन गए पर यह मत मानो कि सदगति हो जाएगी, सदगति दुर्लभ है। तो सुविधावादी दृष्टिकोण चाहे साधु का बने चाहे गृहस्थ का बने, उसमें ये क्रूरता, संवेदनहीनता और प्रमाद ये बढ़ते रहते हैं। तो एक सुंदर अनुसंधान मानता हूँ मैं इसको, कि जो कारण बतलाया, इतना महत्वपूर्ण खोज का कारण है कि यह क्रूरता क्यों पनपती है, कि सुखाकांक्षा के कारण, जितनी सुख की आकांक्षा उतनी ही क्रूरता की वृत्ति बढ़ती चली जाएगी, जितनी सुखाकांक्षा कम होगी उतनी ही अनुकंपा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए चिंतन करें कि स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण और स्वस्थ समाज का निर्माण, और मैं मानता हूँ उसमें इस महत्वपूर्ण खोज का बड़ा महत्व है कि जितनी समाज में सुख की आकांक्षा की सीमा होगी वह असीम नहीं होगी, उतना समाज स्वस्थ बनेगा, व्यक्ति स्वस्थ बनेगा, और स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ समाज वे आंतरिक सुख का निर्माण करते हैं। वह सुख जिस सुख में न तो क्रूरता होती और न कभी शोक का मौका मिलता, ऐसे आध्यात्मिक सुख का सृजन करते हैं। इसलिए हम इस सच्चाई को समझकर और इस पर गंभीरता के साथ चिंतन करें। ओम आर्या।
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।